राजस्थान से कोनिका जी, स्वागत है आपका। हेलो हाँ जी जी, नमस्कार नमस्कार जी। मैं कौनिका बात कर रही हूँ राजस्थान से। जी, बताइए। जी, मेरा वजन काफी ज्यादा कम है, तो उसके रिगार्डिंग कॉल किया था। ठीक है, आपकी एज कितनी है, वजन कितना है एज मेरी जो है वो 25 साल है। और वजन 42। 42 जी। हाँ, थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। देखिए, हम बनाते हैं, वैसे तो किसी को पता भी नहीं, हम बनाते हैं प्रोटीन पाउडर हम बनाते हैं वज़न बढ़ाने के लिए और बाल बढ़ाने के लिए। वो भी ले सकते हैं, ये सुरक्षित प्रोटीन है, इसमें कुछ ऐसा मिलावट नहीं है कि आपको नुकसान दे। और मैं जैसे नुस्खा भी बता रहा था कि एक नारियल पानी लें और उसमें आधा ग्राम सफ़ेद गौन मोरिंगा आधा ग्राम मिला के रोज़ एक बार पी लिया करें। आपकी जिस्म और चेहरे की खूबसूरती आपकी ज़रूरत के मुताबिक और वज़न भी होना मुमकिन है। सुषमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्ते नमस्कार जी। मेरा हकीम साहब से एक सवाल था कि बोलिए। मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं एज क्या है आपकी? जी। 35 साल। अच्छा, देखिए, अगर आप कोई तेज़ डाई इस्तेमाल करती हैं तो उससे बाज आइए, तेज़ डाई से भी बाल झड़ने लगते हैं। और एक ये है कि बार 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 उसी के फ़ोन आ रहे हैं, और वही नुस्खा मैं बताता हूँ कि नारियल पानी एक लें रोज़ाना और वो गिलास में निकाल लें, और एक आता है गौन मोरिंगा सफ़ेद, ये दुनिया का अच्छा गौन कहलाता है, जो बहुत ताकतवर है और बाल इसी से बनते हैं। इसमें मिलाकर आधा ग्राम रोज़ाना पी लिया करें, लेकिन सफ़ेद वाला ही लें, गौन मोरिंगा सफ़ेद बेहतरीन होता है, और आप देखेंगे कि आपके बाल आपके इच्छा अनुसार भी हो सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जम्मू कश्मीर से हैं सरोज जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी मैम, मैं हकीम साहब से पूछना चाहती हूँ। पूछिए। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी, ट्रिपल वेक्टर डिजीज की, तो मैंने एथ केयर सिरप मंगाया था, लेकिन वो मैंने एक बॉटल बड़ी मुश्किल से खत्म की क्योंकि मुझे गले में एलर्जी है, मैं खट्टा नहीं पी सकती, तो वो मैंने फिर बंद कर दिया। तो उसके बाद अब मैंने सिरका मंगवाया है जैतून का, तो वो भी थोड़ा सा खट्टा है। मुझे ये बता दें कि गले की एलर्जी के लिए मैं क्या करूं उसके साथ, क्योंकि खट्टा मुझे, खाती हूँ तो पीती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, खांसी शुरू हो जाती है, गले में इरिटेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी पूछना था कि जो मैं अंग्रेजी दवाइयां ले रही हूँ वो भी साथ लेती जाऊं। जी हाँ, देखिए, बहुत समझदारी की बात की है आपने। अच्छा, देखिए, जो एच केयर है ये बनता कैसे है, देखिए इसमें दो चीज़ें ठंडी होती हैं, दो गर्म होती हैं। एक सिरका ठंडा होता है, एक नींबू से ठंडा होता है, और लहसुन और अदरक गर्म होते हैं। तो ये आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं। इसमें एक कैप्सूल भी आता है, जैसे सीरप एच केयर आपने लिया तो कैप्सूल एच केयर भी आता है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इस तरह के मरीज़ हैं, आपकी तरह के, तो ये आप ले सकते हैं 2-3 टाइम रोज़ाना। और एक मैं दवा बता देता हूँ आपको ताकि ये मर्ज़ आपका चला जाए। देखिए, धनिया 300 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, और पीपल 100 ग्राम, इनको पाउडर बना के एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से लिया करें, कुछ दिन में आपकी ये एलर्जिकल प्रॉब्लम भी ठीक होना मुमकिन है। राजस्थान से अगले कॉलर राजेंद्र शर्मा जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, जी बोलिए। जी हाँ नमस्कार जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार। आदाब हाँ जी, हकीम साहब, आदाब। आदाब आदाब आदाब।
हकीम साहब मेरी पत्नी है कमला शर्मा, उसको 7 ईयर से अस्थमा की बीमारी है और 8-10 साल से उसके घुटनों में दर्द है, हम बहुत परेशान है। सब सब इंग्लिश इलाज करा लिया लेकिन कभी भी उठ जाती है सांस, और वही हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता है ऑक्सीजन पे और कैप्सूल घुमाते हैं। हेलो जी, ठीक है, हाँ थोड़ा समझ ले मेरी बात को। इनको रोज़ाना कम से कम 5 बार गर्म पानी पिलाया करिए, गर्म भी ऐसा कि चाय की तरह जैसे चुस्कियाँ लेके पीते हैं ना, एक साथ चाय पी नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा पीते रहते हैं, ऐसे पानी पिलाया करिए, बहुत फ़ायदा देगा। जो इलाज कर रहे हैं वो करते रहें। और देखिए, अगर आपको इनके जोड़ों के दर्द की ज़्यादा परवाह है तो पहले ये इलाज करिए। गौन स्या आता है एक काला गौन, नकली बहुत मिलता है, होशियारी से असली लीजिए, कड़वा होता है और फ़ायदेमंद बहुत होता है। आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खिलाया करें और खाने के बाद, और क्योंकि इतने बड़े मरीज हैं तो डॉक्टर इन्हें स्टेरॉइड देते होंगे जिससे मरीज अंदर से खोखला हो जाता है, फ़ायदा बहुत करते हैं लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। आप बहुत ख्याल रखिए उनका इसी तरह, और अगर मुमकिन हो तो माजून आर केयर सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से देने लगें, और अगर आप 7-8 महीने या उससे भी ज़्यादा इलाज करें तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर पुष्पा जी पंजाब से, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी, अभी बात हुई थी ना, वो प्लेटलेट का रह गया है और पापा की उम्र जो 81 है, उनको बताया था ना शुगर भी है, हार्निया भी है, हाँ, और बाबा सॉरी उनका प्लेटलेट का और जो अल्सर का और प्रोस्टेट का और हार्निया का ना, हार्निया प्रोस्टेट अल्सर और प्लेटलेट का रह गया है। ठीक है जी, आज वो बाहर का शुरू नहीं करा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने हकीम साहब की दवाई खानी है और कोई दवाई नहीं खानी। ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा, मैं वाकई मुझे जब जवाब दे चुका और दूसरा सवाल शुरू हो गया तो मुझे ख्याल आ गया था कि प्लेटलेट्स की बात रह गई है। अच्छा देखिए, उनके पेट का ख्याल तो ये सिरका ही रखेगा और प्रोस्टेट का ख्याल भी यही रखेगा, उनको प्रोस्टेट में कोई परेशानी नहीं होने देगा और आसानी से उनको पेशाब वगैरह की भी परेशानी दूर हो जाएगी और इसको भी कंट्रोल रखेंगे। लेकिन मेरा मशवरा है कि डॉक्टर्स की दवा भी आप लेते रहें, एकदम छोड़े नहीं, कभी ऐसी हालत ना हो कि हम और आप दोनों परेशान हो जाएं। हाँ, उनका फ़ायदा चाहते हैं हर सूरत में। और प्लेटलेट्स का देखिए, जो पपीते का पत्ता होता है ना, पपीता नहीं, पपीते का पत्ता आसानी से मिल जाता है, और ये 3-4 इंच का रोज़ाना 1 बार या 2 बार खिला दिया करिए। 1 हफ्ते के अंदर उनकी प्लेटलेट्स ज़रूरत के मुताबिक आ सकती हैं, ऐसा मेरा तजर्बा है। और आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए, लेकिन आपसे फिर मैं इल्तमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इनको डॉक्टर की दवाई एकदम ना रोकें, चलते रहने दें, और अल्सर की, एसिडिटी की, ये सब इनका ख्याल रखें, और ऐसे ही अपने पिताजी का ख्याल रखें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग अपने ससुर या पिताजी के बारे में इतने सीरियस होते हैं कि आपने दोबारा जहमत उठाई और कॉल किया और अपना सवाल का जवाब लेकर रहे। मुरादाबाद से महजबीन हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी जी हकीम साहब, मुझे मैं अभी लाइव आपका देख रही हूँ और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, मुझे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और बालों की जो तारीफ कर रहे हैं उसके लिए मुझे भी जरूरत है। लेकिन सबसे पहले मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी एज 43 है हकीम साहब, और मुझे मेरी यूट्रस में मायोमेटेरियम के ऊपर फाइब्रॉइड हो गई है, 16 की है, एक 15 की है, और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई मुझे पीरियड में या मेरी डेट कोई आगे पीछे नहीं है, लेकिन मुझे यह है कि उसका साइज पहले 12 था, अब 16 हो गया है, ये बढ़ ना जाए, तो इसलिए आप प्लीज मुझे दीजिए बता कि मैं क्या करूँ। वैसे मैं योगा भी कर रही हूँ
और अदरवाइज जो भी और ट्रीटमेंट होता है, लेकिन मैं कोई टैबलेट वगैरह कुछ नहीं ले रही हूँ। जी ठीक है, कितनी प्यारी बात कर रही हैं माशाल्लाह। और मैं तो कह रहा था कि बालों की ज़रूरत तमाम ख्वातीन को, नारियों को, बच्चियों को होती है। और देखिए देखिए जितनी भी महिलाएं हैं उनमें 90% बच्चेदानी में या ब्रेस्ट में ये गांठें होती हैं। और ये गांठें जब कहाँ चली जाती हैं ये देखकर वैज्ञानिक और डॉक्टर भी हैरत में पड़ जाते हैं कि जब अगर किसी महिला में बच्चा होने की गुंजाइश हो, यानी जैसे आपकी उम्र 43 है अभी, अगर एक बच्चा और हो जाए आपको तो ये कहाँ चली गई पता नहीं चलता। तो अगर ये गुंजाइश है तो बिल्कुल फिक्र ख़त्म कर दीजिए, एक औलादे सालिहा आपके पास आ जाए और ये ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, जो ब्रेस्ट की गांठें हैं ये बच्चे के दूध पिलाने में ख़त्म हो जाती हैं उस वक्त, क्योंकि चर्बी की ज़रूरत बॉडी को पड़ती है और ये ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, अब 80% महिलाएं तो ऑपरेशन नहीं करा सकती हैं, ये अपने आप भी ख़त्म हो जाती हैं और दवाओं से भी ख़त्म हो जाती हैं। और एक आता है एलोवेरा का सिरका, एलोवेरा का सिरका, एलोवेरा का जूस लोग जानते हैं, एलोवेरा को जानते हैं, एलोवेरा के सिरके को नहीं जानते। तो ये 3 चम्मच लीजिए, छोटे चाय के चम्मच पानी में डालिए और उसमें आधा चुटकी या 1 चुटकी खाने वाला सोडा डालेंगे तो एकदम झाग उठेंगे, झाग उठने लगे तो फौरन पानी डाल दीजिए, इसको घोल के पी लिया करिए रोज़ाना 1 बार। इससे आपको इन रसौलियों से या जो भी आपके उस जगह पर है उससे निजात मिल सकती है। और बालों के लिए वही है जो दूसरों को बताया था, आपने सुना होगा, फिर से मैं बोल देता हूँ, एक नारियल पानी लीजिए और उसमें गौन मोरिंगा सफ़ेद लिख लीजिए, सफ़ेद वाला लेना। मैंने देखा नेट पे एक नकली डाल रखा है लाल लाल सा गौन मोरिंगा, वो नहीं, गौन मोरिंगा सफ़ेद ही चाहिए। ये प्रोसेस होता है, उसकी नुकसानात निकाल के जब ये बनाया जाता है तो गौन मोरिंगा सफ़ेद कहलाता है, उसकी सुर्खी ख़त्म हो जाती है। तो 0.5 ग्राम एक उसमें डालकर नारियल पानी में मिलाकर रोज़ाना 1 बार पी लिया करिए, बाल खूब होते हैं। आप यकीन करें मेरे इतने गिरने लगे थे जवानी में कि मैं परेशान हो गया। और मैं जब महाराष्ट्र में गया तो वहाँ मेरे बाल गिरने लगे, फिज़ा रास नहीं आई, वहाँ की मरतूब फिज़ा होती है यानी मॉइस्चराइज़र होता है, तब मैंने वहाँ से ये तजर्बा किया था और अब मैं सबको शेयर करता हूँ। अगले कॉलर राजस्थान से सरोज देवी जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम, नमस्कार हकीम साहब जी, नमस्कार जी। मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बताइए जी। उनकी कमर में बहुत दर्द होता है, जांच कराने से सर्वाइकल प्रॉब्लम आई है, जो बैठने में बहुत परेशानी होती है, रीढ़ की हड्डी में गैप बताया है, तो बहुत दर्द होता है, बहुत परेशानी होती है, बैठा नहीं जाता जमीन पर आराम से। एज क्या है उनकी? खड़े खड़े तो काम कर सकते हैं पर बैठा नहीं जाता। उनकी उम्र है 42 वर्ष। बेटा ऐसी ख्याल रखिए अपनी मम्मी का, लेकिन इसको सर्वाइकल नहीं कहते, इसको स्लिप डिस्क कहते हैं या साइटिका कहते हैं। कमर में जो दर्द होता है हिप से ऊपर, यहाँ इस उम्र की महिलाओं को अक्सर होता है और पुरुषों के भी होने लगता है। महिलाएं क्योंकि सिनफ नाजुक कहलाती है, कमज़ोर कहलाती है, तो इनको जल्दी होता है, क्योंकि ये इनमें बड़ी परेशानी यह है आपकी मम्मी जैसी महिलाओं में कि ये अपना दर्द शेयर नहीं करती। ये तो अच्छा हुआ आपने उनको पहचान कर फ़ोन किया, ये ठीक हो सकता है। एक तो हमारे घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, और अगर दवा चाहें तो कैप्सूल टी केयर दे सकते हैं, टी फॉर टाइगर कैप्सूल टी केयर दे सकते हैं, सुबह शाम रोज़ाना दें और 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने दें, यह आपसे मेरी हिदायत है। और या कैप्स या आपको गौन स्याह मिल जाए, काला गौन,
ये काला गौन नकली बहुत मिलता है, मिले तो असली मिले नहीं तो मत लेना। गौन सिया या काला गौन नाम से कड़वा गौंद आता है, कड़वा गौंद आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम दें। अगर 100-200 ग्राम मिल गया तो आपके मम्मी के दर्द का नाश करने की सलाहियत रखता है।